जिस्म के कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए बड़ा ही बेहतरीन आसान सादा घरेलू टोटका बताने जा रही हूँ, जिसके 7 दिन के इस्तेमाल से जिस्म का जितना भी गंदे वाला कोलेस्ट्रॉल है जड़ से ख़त्म हो जाएगा। हमारा जिगर 2 किस्म का कोलेस्ट्रॉल बनाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जो गंदे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है वो अगर जिस्म के अंदर पैदा हो जाए तो आपको पता है कि वो खून की नालियों को ब्लॉक कर देता है, जिगर अच्छा खून नहीं बनाता, और इसके अलावा मतलब दिल की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, पेट की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जिगर की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मैदे की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, सर में दर्द रहना शुरू हो जाती है, चक्कर आते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, मतलब आपको हज़ारों बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है, आपके पाँव में जलन होती है, आपसे चला नहीं जाता, आपको थकन महसूस होती है। कहने का मकसद ये है, अगर आपके जिस्म के अंदर गंदे वाला कोलेस्ट्रॉल बन जाए तो आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स के पास चक्कर काटने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आज मैं आप सबको एक ऐसा बेहतरीन घरेलू टोटका बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर आपके जिस्म के अंदर जितना भी गंदे वाला कोलेस्ट्रॉल है जड़ से ख़त्म हो जाएगा, और इसके कोई भी नुकसान नहीं है। इसको सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द औरतें सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपका गंदा कोलेस्ट्रॉल तो ख़त्म होगा ही होगा, और इसके अलावा जो है आपका वज़न भी कम होगा। सही हो गया, इतना बेहतरीन सादा घरेलू टोटका है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को सदका जारिया समझ के लाजमन लाइक शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से उसको भी फॉलो कर लेना। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी लाजमन सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। टिकटॉक आईडी भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको फॉलो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है कि जिस्म के अंदर अगर गंदा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको ख़त्म कैसे करें। आप लोगों ने बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत सारे टोटके, बहुत सारी ड्रिंक्स इस्तेमाल की होंगी, बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल की होंगी, लेकिन आपके जिस्म का जो गंदे वाला कोलेस्ट्रॉल है ये ख़त्म नहीं हुआ होगा, 100% गारंटी से ये बात कर रही हूँ। लेकिन आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी ड्रिंक शेयर करने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक के करम से आपके जिस्म का जितना भी गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपने एक ग्रीन टी ड्रिंक, मतलब इसको एक ग्रीन टी बोलते हैं, सही, आपने इसके लिए ग्रीन टी जो है तैयार करनी है। इस ग्रीन टी को तैयार करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि 1 दालचीनी, 2 लहसुन, 3 आपको अदरक चाहिए होगी, 4 आपको नींबू चाहिए होगा, लेमन। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक पतीली लेनी है, पतीली के अंदर आपने 1 कप पानी का डाल देना है, छोटा कप पानी का ले लें। ठीक है, मतलब एक तो मग होते हैं बड़े बड़े, कुछ लोगों को मग के अंदर चाय पीने का, हर चीज़ पीने का शौक होता है, तो आपने छोटे वाला, जो छोटे कप होते हैं ना, वो वाला आपने पानी का भरना है पतीली के अंदर, साफ पतीली के अंदर जिसके अंदर आप लोग चाय बनाते हैं, उसके अंदर डाल के इस पानी को आपने उबाल लेना है। सही है, और चूल्हा जो है नीचे जलते रहने देना है, इस पानी को आपने अच्छे से उबालना है। जब इसके अंदर उबाल आना शुरू हो जाए तो आपने एक लहसुन का जवा लेना है। सही है, एक आपने लहसुन का जवा लेना है, खालिस देसी लहसुन जो होता है, छोटी एक तो होता है, इतना मोटा मोटा लहसुन होता है, आपने मोटे वाला लहसुन नहीं लेना, जो बारीक लहसुन होता है ना, इतनी बारीक बारीक डलियों वाला, वो वाला आपने लहसुन लेना है। इसका आपने जो है पता, एक मतलब आपने क्या करना है कि आपने इसके ऊपर से छिलका नहीं उतारना। सही है, आपने एक डली, एक जवा जो है लहसुन का लेके इसको हल्का सा जो है मतलब इसके ऊपर छुरी रख के या कुछ चम्मच रख के ऐसे मतलब इसे ऐसे अपनी मतलब थोड़ा सा जोर लगा के ना इसको दबा लेना है अच्छे से, ताकि इसके अंदर से ना हल्का हल्का जो जूस है, जो रस है वो निकल आए। सही है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको तोड़ना। सही हो गया, बस 1-2 ऐसे मुखियाँ आपने मार के ना जोर से ऊपर से मतलब दे के बस हल्का से इसको दबा लेना है, मतलब 2-3-4 टुकड़े इसके हो जाए, इस तरह से आपने करना है। उसके बाद जो है इसको मतलब छिलका उतार लेना है, छिलका एक साइड पे कर लेना है, ये जो लहसुन की डली है ये आपने उस उबलते हुए पानी के अंदर डाल देनी है। उसके बाद इतना सा दालचीनी का टुकड़ा, ये उंगली का साइज़ आप नोट कर लें, आधी उंगली जितना दालचीनी का टुकड़ा इसके अंदर डाल देना है। सही है, और उसके बाद इतना सा टुकड़ा अदरक का छिलका आपने इसका उतार के ये भी ऐसे डाल देना है। इसको आपने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है इस पानी के अंदर, ज़्यादा नहीं पकाना, ज़्यादा देर नहीं उबालना। जब पानी में उबाल आ जाए तब ये सारी चीज़ें आपने इस पानी के अंदर डाल देनी है। सही है, 2 मिनट तक आपने इनको इस पानी के अंदर उबालने देना है, 2 मिनट के बाद आपने इसको पतीली को उतार लेना है चूल्हे से। सही है, 1 कप के अंदर आपने इनको छान लेना है इस पानी को। उसके बाद इस पानी को आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये हल्का हल्का कोसा पानी रह जाएगा ना, ठंडा हो जाएगा, तब आपने इसके अंदर आधा लीमू जो है, आधा लेमन आपने काट के उसके अंदर से जो बीज है वो आपने निकाल देने हैं। उसके बाद आपने आधा लेमन रस से भरा हुआ हो वो आपने निचोड़ देना है। सही है, फिर इसको आपने अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स करना है दिन में किसी भी टाइम। सुबह निहार मुँह पी लें ये मतलब ग्रीन टी तो बहुत अच्छा है। अगर आप सुबह निहार मुँह पीना भूल जाते हैं तो सुबह दोपहर में किसी भी टाइम जब आपको लगे कि आपका पेट खाली है, सही है, आपको बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, तब आपने ये 1 कप जो है इस तरह से लेमन निचोड़ के ठंडा आपने ये पी लेना है। सही हो गया, रेगुलर आप 7 दिन इस्तेमाल करें, आपके जिस्म के अंदर जितना भी मर्जी कोलेस्ट्रॉल है, आपके पाँव में आग लगती है, जलन होती है, आपको मतलब उठने बैठते हुए मतलब आपको सुस्ती महसूस होती है, आपका सर भारी रहता है, आप वीकनेस महसूस करते हैं, जाहिर है जब आपके जिस्म की जितनी भी नसें होती हैं उनके
अंदर खून जब जम जाता है ना, सही है, इस गंदे कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो जाहिरी बात है कि जिस्म के अंदर थकान होना, सुस्ती महसूस होना, सर का भारी होना, क्योंकि पेट के अंदर से गैस आती है, सही है, तो वो सर भारी होना, चक्कर आना, और मतलब सम टाइम तो कुछ खाने पीने का दिल भी नहीं करता, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का आपको सामना करना वो बड़ी एक मामूली सी बात बन जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये जो मैंने आपको एक ग्रीन टी ये जो बनाना सिखाई है ना, सही है, इस ग्रीन टी को आपने शुरुआत के 7 दिन लाजमन पीना है, सही है। 7 दिन के अंदर अंदर जो है आप देखेंगे इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक के करम से आपके जिस्म का जितना भी गंदा कोलेस्ट्रॉल है ना, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक के करम से जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा जब आप रेगुलर इसको 7 दिन इस्तेमाल कर लें तो उसके बाद जो है हफ्ते में एक बार लाजमन इस ग्रीन टी को बना के पी लीजिएगा, सही है, हफ्ते में एक बार लाजमन, ताकि लाइफ टाइम आपको दोबारा ये गंदे कोलेस्ट्रॉल की मतलब मसला ना हो, ये बीमारी आपके जिस्म के अंदर ना आए, क्योंकि ये गंदा कोलेस्ट्रॉल जब हमारे जिगर जो है ना, हमारा जिगर जो है ये 2 किस्म का कोलेस्ट्रॉल बनाया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक होता है अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल। जब जिस्म के अंदर बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ना, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं बहुत ज़्यादा बीमारियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, ऐसी ऐसी बीमारियों का कि अगर मैं यहाँ गिनवाने के लिए बैठूँगी ना तो आपके सुनते सुनते कान पक जाएंगे, लेकिन इस एक गंदे कोलेस्ट्रॉल की वजह से मतलब कहने का मकसद ये कोई हद ही नहीं है, ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये गंदा कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है, देखिए ये गंदा कोलेस्ट्रॉल बैठे बिठाए नहीं बन जाता, इसके पीछे भी आपकी अपनी गलतियां होती हैं, सही हो गया। कुछ लोग फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, पराठे बहुत ज़्यादा खाते हैं, तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, निम्को पापड़ ये वो बड़ी मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं लिमिट क्रॉस करके। देखें दुनिया में कोई भी चीज़ बनी है तो वो खाने पीने के लिए ही बनी है, जब आप किसी भी खाने पीने की चीज़ में लिमिट एक क्रॉस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा चावलों का इस्तेमाल कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चिकनाहट वाली चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके जिस्म के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ आ सकती हैं। तो लिहाजा मेहरबानी करके बहुत सी मेरी बहनें, बहुत से मेरे भाई, आप जो भी खाएँ लिमिट में रहकर खाएँ, कुछ भी खाना मना नहीं है, लेकिन जो भी खाया करें लिमिट में रहकर खाया करें, और कभी कभार खाया करें, सही हो गया। जब आप मतलब आपके घर में या मतलब आपको चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, फॉर एग्जांपल आप हर वक्त चावल ही खाते रहें, बिरयानी हो पुलाव हो, बिरयानी हो पुलाव हो, आपको क्या पता मतलब ये आपके जिस्म के लिए क्या नुकसानदेह हैं, सही है। अगर आपको नहीं पता है तो ज़रा आप सर्च करके जाके देख लें, फास्ट फूड तले हुए खाने कुछ लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, आपको क्या पता कि मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें खाने पीने की वजह से आपके जिस्म में क्या क्या आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं भी खाती हूँ, अगर मैं अपनी पर्सनली अपनी बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सब कुछ खाती हूँ, लेकिन लिमिट में रहकर खाती हूँ, सही है। जहाँ आपने इतना खाना है वहाँ आप इतना खा लें, सही है, ज़बान का टेस्ट ही है ना, तो आप मतलब कुछ भी खाते हैं। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो फास्ट फूड जो है मैं कभी कभार खाती हूं, ज़्यादातर मेरी जो खुराक है वो देसी खुराक है, अपनी खुराक में ज़्यादातर देसी चीज़ें जो हैं ऐड करें, जैसे कि सब्ज़ियां हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ खाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा दालें खाएँ, और इसके अलावा जो है जो भी खाएँ देसी खुराक खाएँ, तो इंशाल्लाह जो है आप काफ़ी सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज़।